नमस्कार मीडिया, और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। दिसंबर का आखिरी सप्ताह चल रहा है और ऐसे में आपको बताएं कि जितनी सर्दी पड़नी चाहिए थी उतनी नहीं पड़ रही है। लेकिन आपको बताएं कि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 1 जनवरी से तापमान में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। 2 जनवरी से कहा जा रहा है कि बिहार में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश जो है देखने को मिल सकती है, उसके बाद पारा जो है एकाएक लुढ़क सकता है। वहीं कहा जा रहा है कि सोमवार की अगर बात करें तो सोमवार को तापमान भी ज़्यादा देखने को मिला, अधिकतम तापमान मान भी ज़्यादा बढ़ा रहा तो न्यूनतम तापमान भी गया का जो है सबसे कम 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ऐसे में बता दें कि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 29 दिसंबर से जो है उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ जो है सक्रिय हो रहा है। इसके साथ ही इसके निचले वायुमंडल में पूर्वी हवाओं के संपर्क के प्रभाव से बिहार के अधिकांश भागों में 2 जनवरी से हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। उससे पहले मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक राज्य के अधिकांश भागों में हल्का से मध्यम दर्जे का कोहरा जो है छाने का अनुमान लगाया गया है। इससे बीच पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे के दौरान सर्वाधिक अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस जो है दरभंगा का दर्ज किया गया, तो वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान जो है 10.5 डिग्री सेल्सियस गया और सबौर में दर्ज किया गया। सोमवार की सुबह पटना और पूर्णिया के एक दो स्थानों पर हल्का से मध्यम कोहरा छाया रहा। वहीं सोमवार को राजधानी पटना की बात करें तो राजधानी पटना का तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि राज्य के अधिकतम तापमान की बात कर लें तो अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं न्यूनतम तापमान 13.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बताएं वहीं कि सुबह में हल्की फुल्की ठंड के बीच राजधानी पटना के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर थोड़ी बहुत ठंड देखने को मिली है। वहीं आपको बताएं कि कहीं कहीं गर्मी का भी एहसास लोगों ने किया है। सुबह में हल्की फुल्की ठंड के बीच जो है राजधानी पटना के बुद्ध मूर्ति बाईपास गोलंबर कंकड़बाग कॉलोनी मोड़ समेत कई चौक चौराहों पर लोग आग सेकते हुए नजर आए, तो कहीं सुबह सुबह जो है गर्माहट का मौसम भी छाया रहा। हालांकि बताएं कि अभी मौसम में उतनी गिरावट दर्ज नहीं की गई है जितना गिरावट अभी तक दर्ज की जानी चाहिए थी। दिसंबर का आखिरी सप्ताह चल रहा है, ऐसे में लोग जो है ज़्यादा ठंड का एहसास करते हैं वो नहीं हो पाया है इस बार। लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जो 29 दिसंबर से जो है सब मौसम सक्रिय हो रहा है, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसकी वजह से बिहार में 2 जनवरी से बारिश हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।